चैनल अगेन और हमारा आज ब्लॉग शुरू हो रहा है वो भी नानी के घर से। और सुबह हो चुकी है, हम सब फ्रेश हो लिए हैं और यहाँ तो बहुत ही जल्दी नहा धोना हो गया है। 8:30 सब लोग नहा लिए थे। गौरा भी यहाँ पे खेल रही है गेम। किसके फ़ोन में खराब मत कर देना नाना का फ़ोन। तुम्हें यहाँ पर ऐसा लगता है कि जब 8 बज रहा है तो ऐसा लग रहा है 10 बजे का। क्या बात कर रहा है, या तो तेरी आँख जल्दी खुल रही, वहाँ तो सोता नहीं है। और हमने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है, 9:30 है और 9:30 हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है। प्रिया ने बनाया, प्रिया मीन्स गोली की मामी ने बनाया है, जवे, नमक के जवे बनाए थे तो हमने सबने खा लिए। मैगी नहीं जवे, मैगी तो अलग होती है, छोटी मैगी, उसमें थोड़ा सा मैगी मसाला डाल दिया था तो मैगी। तो अब क्या करना है, और ये घूम के भी आ गए हैं मार्केट में इधर उधर। और आज है क्या, आज है हैप्पी फादर्स डे। तो सभी फादर्स को वेरी वेरी हैप्पी फादर्स डे, और सब फादर्स मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें अपने बच्चों के साथ और बच्चों को कराएं आज एंजॉयमेंट। तो और तो आज हुन्ना ने भी ब्रेकफास्ट कर लिया है। हुन्ना ब्रेकफास्ट कैसा लगा आपको? अच्छा था। हेलो गाइस, जय श्री राम। और कुछ आज विश कर दें पापा को? हैप्पी फादर्स डे पापा। कोई रियलिटी में नहीं करा है, हमने भी नहीं करा। तो क्या आज हम हैप्पी फादर्स डे सेलिब्रेट करेंगे? लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं आपसे बाद में। हो गया है शाम का टाइम और टाइम हो रहा है 5:30 और गर्मी सीटी लग रही है, डिनर बनना शुरू हो गया है। और मैं यहाँ पर कर रही हूँ, फॉल लगा रही हूँ मैं साड़ी पे। मैं फ्री बैठी थी और यहाँ मई के में आते तो कुछ काम करने को होता नहीं है, ना झाड़ू ना पोछा ना खाना, मैं रोज फ्री बैठे रहते हैं। हाँ अच्छा, हाँ बच्चे तो नहीं खाते, मैं तो खा लूँगी। तो मम्मी लेके आई है सब्जी बाहर ठेले वालों से, क्योंकि बहुत सारे ठेले वाले आते हैं तो पूछ रही हैं काफ़ी फल हम खाएंगे नहीं खाएंगे, तो मैं तो खा लेती हूँ, बच्चे नहीं खाते काफ़ी फल। और गोली और शिवांश और मेरा भाई यानी बच्चों के मामा गए हैं सामान लेने, और प्रिया बना रही है खाना, और गौरा और गुन्ना गए हैं कुछ चीज़ खाने के लेने के लिए, और बच्चों ने मंगाया है केक। क्या लेके आई? लॉलीपॉप। और सबके लिए लेके आई है, अकेले के लिए? इधर हो गई थ्रेडिंग? हाँ हो गई। हो गई साफ सुथरी? हो मम्मा दीदी चुप क्यों रही है? चेहरा साफ हो गया तुम्हारा? चेहरा साफ हो गया। किसने की थ्रेडिंग? अरे हमारी बिटिया ने करी है। गुन्ना ने करी है। तूने? तू जाती नहीं है? हमारी बिटिया ने करी है। इंतजार करती रहती हूँ मेरा और थ्रेडिंग के लिए। इंतजार कर, कितने महीनों से कर रही थी? 3 महीने से कर रही है। 3 महीने से या एक साल से? भी 3 महीने से कर रही, बताओ। आवे 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 आवे। तो मैं तो एक साल बाद आई हूँ। हाँ तो एक साल बाद आई है, उससे पहले हमने करवा चुके हैं। और जगह करवा लेती हो? हाँ। और अच्छा कौन करता है सबसे? अब अच्छा तो तू करे। नहीं लाओ तो निकाल लो, 40 रुपए ले ले। 40 रुपए में होगा थ्रेडिंग? 40 का फॉल ले लो। ला निकाल दो, तू निकाल। क्या कह रही हो? ये जो मैं लाई हूँ पहनने के लिए कह रही हो, क्या कह रही है? ये तो कह रही है कि पार्टी वेयर है वो। नहीं पार्टी वेयर तो नहीं है। हाँ बस आने जाने के लिए बोल रही हूँ। आने जाने के लिए कह रही है। हाँ ऐसी जाएगी तो नानी के, नानी के जाएगी पहन के। हुए रोज रोज मैं काम में ले इस्तेमाल। पूछो बुआ से, नहीं रोज तो पहन सके। रोज पहन सके, गर्मी का मौसम है। और क्या? और क्या? हल्की भी है, अच्छी भी है, पतली भी है। पतली भी तो कल कल पहनेगी तू? पहन लेगी। और क्या? नहीं पहनूंगी मैं कल। मैं नहीं पहनूंगी। मान नहीं रही, लौंडिया बिगड़ रही तुम्हारी। ये कहना ना माने करे तुम्हारा। कैसे माने ही ना, मारो बेबी हम का करें। कैसे होगी फिर? ना होगी तो मत करो, ना मार के ना मत। तो कौन सी क्लास में आ गई है? अरे आ गई है इसमें। और कहना नहीं मानती तुम्हारी। काम क्या वैसे करना? अरे काम का है, कुछ भी काम ना है। जब मैं 8th में ही तब कितना काम कराई करी तू? झाड़ू पोछा सब करे, रोटी बनावा करे, सब कुछ चौका करे। और यू कितना करे? अरे अबे आवे ना आवेगी। क्यों ना सिखाए करो तू? मुझे सिखाया तो नहीं। सिखा मैं तो मुझे रहा पराठा ही ना। हाँ मैं तो तुमने खूब टॉर्चर करा सिखा सिखा के। हाँ तो खुद सीख गई।
खाना बना के खिलाया करे सुबह शाम। आज तो चोटी भी कर ले करे ये बने आप यार चोटी भी नाचती करे। बताओ बताओ गुन्ना ये क्या था। मैं सारा काम करती हूँ जब चली जाती है। हाँ करती तो है। देखो अभी क्या बोलेंगे करती तो है लेकिन मजा नहीं आ रहा। बट तुझे बुआ से कंपेयर किया जा रहा है। अम्मा ठीक नहीं कंपेयरिंग। सो शाम का टाइम था और आ गया था हमारा फादर्स डे का केक और यहाँ पर बच्चे बैठ गए थे मेरे पापा के साथ क्योंकि बच्चों के पापा में से कोई नहीं था इस टाइम घर पे। सो मेरे पापा के साथ मेरी फर्स्ट फादर्स डे था ये। तो मैंने बच्चों को बैठा के केक कटवाया और बच्चों ने भी खूब इन्जॉय किया पापा के साथ और पापा ने भी फर्स्ट टाइम फादर्स डे पर केक काटा है। क्यों? अरे हमें ना अच्छा लगे। अरे अंडे का नहीं है? नहीं हमें नहीं खाना। क्यों नहीं खाना? अच्छा। खाना पड़ेगा। आपको क्यों नहीं खाना? लो कह रही अंडा हुआ है उसमें। अंडा ना हुआ है थोड़ा सा चॉकलेट ही तो है ये। ब्रेड होती है उसमें। अरे थोड़ा सा खा लो। श्री राम। वेलकम बैक टू माई चैनल अगेन। एक बार फिर से स्वागत है मेरे अपने ब्लॉग में। और मेरा व्लॉग अभी मायके में ही है क्योंकि मैं हूँ मायके में। और सुबह हो चुकी है, हम लोग उठ चुके हैं। 8 o'clock है और नहा भी लिए हैं, पूजा भी होगी। बच्चे ऊपर नहा रहे हैं क्योंकि बच्चे बच्चों के साथ ही मस्ती ले रहे हैं। पानी यहाँ काफ़ी ठंडा आता है तो बच्चे डर रहे हैं नहाते हुए, तो ऊपर मस्ती लेके नहा रहे हैं फिर क्योंकि यहाँ पे फ्रेश पानी आता है। हल्द्वानी में थोड़ा सा टैंक का पानी आता है तो गर्म आता था तो बच्चे उसमें नहा लेते थे। यहाँ पे आ रहा है बिल्कुल ठंडा पानी तो फ्रेश भी हो जाते हैं और अच्छा भी लग रहा है। तो देखते हैं बाहर और लोग क्या क्या कर रहे हैं। मम्मी बाहर हैं क्योंकि हमारे सोसाइटी में मतलब मोहल्ले में किसी आंटी की डेथ हो गई है तो सब लोग वहीं पर ही हैं। सीटियाँ लग रही हैं क्योंकि बन रहा है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में बन रहे हैं क्या बन रहा है ब्रेकफास्ट में? आलू के पराठे। अब देख हम बिना प्याज का खाते हैं तो बड़ी परेशानी हो रही होगी है ना। क्या बनाऊँ बिना प्याज का? हम भी बिना प्याज के खा लेंगे थोड़े दिन। दिक्कत तो नहीं हो रही बिना प्याज का बनाने में? नहीं नहीं हो रही। अच्छा चलो तो बनाओ। यहाँ पे आटा गूंद रही है ये और आलू बन रहे हैं सीटियों में धड़ाधड़। और ये है हमारा छोटा सा किचन और ऊपर लग रखा है हमने फैन हवा के लिए। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। हाँ गर्मी बहुत ज्यादा। फाइनली नहा लिए शिवांश? हाँ। साबुन से नहाया? ऐसे ही नहाया साबुन से और शैम्पू से। और पाउडर लगाया? खुशबू आ रही है? नहीं लगाया? अरे भूल गया। फिर हम सब ने किया ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट में था आलू के पराठे, आलू टमाटर की सब्ज़ी और आम का अचार। 1 बजे का टाइम था और गौरा को लग गई थी फिर भूख और गौरा को खाना था कुछ अलग। तो मामी ने बनाया गौरा के लिए टेस्टी टेस्टी मैक्रोनी जो कि गौरा को बहुत ज़्यादा पसंद है। और हम सब ने फिर खाई मैक्रोनी और गप्पे शप्पे मारे और हम लोग ऊपर ही आ गए थे क्योंकि मम्मी पापा नीचे सो रहे थे। शाम के 5 और हम लोग सब बैठे यहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं, बैठे गप्पे शप्पे मार रहे हैं। और लिया आज गुन्ना ने पहन लिया है वही जो कल अम्मा जिद कर रही थी हैं पहन लिया तो कहना मान लिया इसने। हाँ बिल्कुल मान लिया। मान ले वैसे तुम खामखा बुराई कर रही थी कल। हाँ बिल्कुल मान लिया। कभी कभी मान लिया और कब नहीं मानती कभी। तो क्या कहना माने तुम्हारा? एक दिन ऐसा हुआ मैं भूख लग रही बहुत तगड़ी। हाँ मैं बोली गुन्ना आपको भूख लग रही है रोटी बना। हाँ बोली हाँ अम्मा वही बना कर लाऊ। अच्छा अब बीरिया ने ऐसी अच्छी रोटी बनाई पतली पतली। हाँ और बीवी भूख लग रही 3-4 रोटी खाई मैंने। अच्छा अब गुन्ना कहने लगी अम्मा और ला मेरी बीवी बस रहन दे इतनी बहुत। तो तुम खामा खा बुराई कर रही थी कल बेचारी रोटी बना के खिलाया तुम्हें। अभी भूख लग रहा बना के खवा तो रोटी तो आवे इसका मतलब बना नहीं सही गूंद लिए खूब बढ़िया से बढ़िया गुन्ना। हाँ बढ़ाई हो रही है तेरी कल तो बहुत ज्यादा झाड़ दिया था मम्मा ने तुझे। ऐसा अच्छा आटा रोटी नहीं खिंचा चलो आ गए क्या बोल रही है प्रिया छुप छुप के सामने आगे बोल कैमरे पे।
भाई इधर ना छुप छुप कर रहे की सब्जी काट रहे हैं, तेरी सब्जी चुराएंगे थोड़ी। शिवांश, शिवांश आने नहीं दे रहा मुझे, आने नहीं दे रहा शिवांश, गलत बात है ये भाई, ये मुझे छिपा रहा है। मम्मी को कैमरे पे आने दे थोड़ा सा, है मम्मी को कैमरे पे नहीं आने देगा तू? क्यों क्यों नहीं आने देगा? अरे हट जा। सो ये था इवनिंग टाइम और बच्चे हो रहे थे बोर, सो बच्चे आ गए पार्क में झूला झूलने के लिए। सिर्फ बच्चे ही गए थे, सो बच्चों ने ये वीडियो बनाया था क्योंकि हम लोग घर में ही थे और यहाँ पे गोली झूल रहा है, फिर गौरा ने भी स्लाइड की और काफ़ी सारे झूले थे इस पार्क में, तो बच्चे अपना घूम के भी आ गए और बच्चों का एंजॉयमेंट भी हो गया। इतने झूले में खो गए थे कि हमको टाइमिंग, हम टाइम ही देखने, हमने टाइम नहीं देखा, हमें 8:30 बजे जाना था, 8:32 हो चुका है। हमारे घर वाले बेफिजूल में हम लोग की।